डीटीएफ के सद्दे ते अध्यापकां ने सिक्ख्या सकत्तर दा पुतला फूक के कीता तिखे रोह दा प्रगटावा। सिक्ख्या सकत्तर ने पंजाब दी सिक्ख्या नूं तबाही वल धक्कण दी बनाई रणनीति। मानसा विखे अध्यापक संघर्षा दौरान होईयां विक्टिमाइजेशन नूं रद्द करन संबंधी जथेबंदियां नाल चार मंत्रियां दी सब कमेटी वल्लों दित्ता फैसला लागू ना करन अते सिक्ख्या नूं तबाही वल धक्कण वालियां निजीकरण पक्खी नीतियां दा अमल अगे वधाउण तों खफा मानसा जिले दे वड्डी गिनती अध्यापकां ने डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट के सद्दे ते डीसी दफ्तर विखे सिक्ख्या सकत्तर का पुतला फूकिया अते सिक्ख्या सकत्तर विरुद्ध जम के रोष प्रगट किया। सर जो साडा धरना है वो इसे ते ही है कि जो साडे अध्यापक विक्टिमाइज किए गए हैं, एक उन्होंने रिलीफ दी जाए, दूसरा जो ऑनलाइन एजुकेशन है जो ओवर स्ट्रैस किया जा रहा है क्योंकि बच्चे गरीब ने उन्होंने कोले कोई फोन नहीं है, उन्होंने कोले कोई साधन नहीं है, तो उन्हों की वजह करके कितना कितने बच्चे ने जो डीमोटिवेटेड फील करते हैं। तो एक वो साड़ी मंग हैगी है, तो जो डीएम बीएम द्वारा लोड तो वध स्ट्रैस जो पाया जा रहा है वो खिलाफ़ असी अज धरना दिता। बाकी जो कृष्ण कुमार जी ने जो मंगा मनिया से उन्होंने पूरा नहीं किया जा रहा, इस लिए असं अज असी धरना दे रहे हैं। असी डेमोक्रेटिक टीचर फ्रंट वालों जो जर्थी फूक मुजहरा किया जा रहा है कृष्ण कुमार जी का, जिला सिक्ख्या सकत्तर ने पंजाब के, वो तो मेन मकसद ये है कि डेढ़ साल पहला चार मंत्रियों नाल सारे अध्यापकों की एक मीटिंग हुई सी जिदे बहुत सारिया मंगा जो मनिया गई सी, पर सिक्ख्या सकत्तर ने वो मंगा पूरी नहीं कर रहे जिन्हों के चलते संघर्ष दौरान जिहड़ियां विक्टिमाइजेशन हुई सीगियां वो हजे तक इन्होंने रद्द नहीं कीतिया। तो एक उस टाइम बहुत सारे अध्यापकों नूं नोट्स जारी किए गए सी जिहड़े वो नहीं वापस ले इन्होंने। एक ये है कि सिक्ख्या विभाग के इस टाइम दो टीमां जिहड़ियां चला के अध्यापकों नूं जिहड़ा खुआर किया जा रहा है, एक पासे दा प्रिंसीपल डीओ जिहड़े वो हैगे ने अधिकारी जिन्हां नूं चैकिंग करन दे अधिकार हैगे ने, दूजे पासे जिहड़े डीएम बीएम हैगे ने बने हुए वो सिक्ख्या सकत्तर ने अपनी परसनल एक टीम बना के टीचरां दे उत्ते इन्ना प्रेशर पाया जा रहा है कि अगे तो वो करते होंगे सी 6 घंटे काम या 8 घंटे स्कूल दे विच, हुण उन्हां दा कोई टाइम ही नहीं है, सवेरे उठण दे सार दे नाल उन्हां दा काम शुरू हो जाता, रात नूं 10-10 बजे तक वो लगे रहिंदे ने। दूसरा ये कि ऑनलाइन एजुकेशन जिहड़ी कह रहे कि इहदा अल्टरनेटिव दे रहे हैं स्कूलों का, वो बिल्कुल गलत है, ये कदे भी नहीं हो सकता। ऑनलाइन एक सहायक क्रिया हो सकती है एजुकेशन, पर जिहड़ी आपां इहनूं कहिंदे सिक्ख्या नहीं मन्निया जा सकता कि सिक्ख्या दे प्रोसैस दे विच शामिल नहीं किया जा सकता इसनूं, है ना, तो ये बिल्कुल गलत है। बच्चों को जिन्हों को मोबाइल तक बिल्कुल भी है नहीं, डाटा पवाने पैसे है नहीं, रोटी खाने तो मिथाज ने परिवार, तो ये उन्होंने थोपन जा रहे हैं मोबाइल वर्गिया आराम तक लेके आओ, ये बिल्कुल गलत है। प्रेसर पाया जा रहा बच्चों तो टीचरों भी, टीचरों बेमतलब प्रेसर आ हूँ पैस नैशनल लैवल से तो 1 साल डिले करता, पर पंजाब दे विच ये है कि उस पैस के नाँ नूं लेके इन्ना प्रेसर जिहड़ा पाया जा रहा बच्चों पर भी टीचरों पर भी 100% यकीनी, 100% यकीनी तो कोई काम हो ही नहीं सकता, अज तक होया ही नहीं, तो ये पता नहीं किवें फेक डाटे लेके गुमराह करन ते लगे हुए ने लोगों नूं भी ते सारयां नूं। असीं ये चाहुंदे हां कि सारा कुछ बंद होवे ते अध्यापकां दीआं जिहड़ियां जायज़ मंगां ने वो मन्नियां जाण, मन्ने हुए वादे ने जिहड़े उन्हूं लागू कीते जाण, नहीं संघर्ष है जिहड़ा डेमोक्रेट टीचर फ्रंट वल्लों ਇਦੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਕੱਤਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਹੁਦਰੀ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਢੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਬਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੋਸ ਹੈ, ਉਸ ਰੋਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਸ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 17 ਅਤੇ 18 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਅਰਥੀਆਂ ਫੂਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੀ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 17 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਨਸਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।